आज के वीडियो में आपको सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स के एक बहुत ही अच्छे से डिसीजन के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अब उनके पेरेंट्स बिल्कुल अकेले रह गए हैं, और उनके पेरेंट्स अकेले रहने के बावजूद भी अपना समय सिद्धू मूसेवाला के फ्रेंड्स, सिद्धू मूसेवाला के चाहने वालों के साथ गुजारते हैं। रोजाना उनके घर पर अब तक कोई ना कोई सिद्धू मूसेवाला के लिए आया रहता है, उनसे मिलता है, और वो भी हर किसी से खुले दिल से मिलते हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स जो पेशेंस दिखा रहे हैं वो शायद ही कोई और दिखा पाता। सिद्धू मूसेवाला के लिए उनके फैंस ने एक समाधि बनाई हुई है। उस समाधि पर जो भी आता है उसके लिए सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स ने एक डायरी रखी हुई है, जहाँ पर वो सिद्धू के लिए कुछ लिखते हैं और साथ में अपना नंबर और अपना साइन, अपना नाम लिख कर जाते हैं। और अब आपको बताते चले कि सिद्धू मूसेवाला को गए हुए अभी एक महीना ही हुआ है और 3 रजिस्टर भर चुके हैं। तीनों रजिस्टर के हर पन्ने पर एक ही बात लिखी है, वी मिस यू सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला वापस आ जाओ, सिद्धू मूसेवाला हम तुम्हें याद करते हैं। हर पन्ने पे, हर लाइन पर सिर्फ यही बात लिखी है कि सिद्धू मूसेवाला वापस आ जाओ। इस तरह की बातों से 3 रजिस्टर भर चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स वो रजिस्टर संभाल कर अपने पास रखते हैं। वो रजिस्टर खोल कर देखते हैं कि उनके बेटे से कितनी दुनिया प्यार करती है, उनके बेटे को चाहने वाले कितने लोग हैं। और हमें आशा है कि सिद्धू मूसेवाला भी जहाँ कहीं होंगे वो भी ये देख कर बहुत ही गर्व महसूस करते होंगे, खुश होते होंगे कि उन्होंने इस दुनिया में बहुत अच्छे काम किए, जिसके कारण आज भी लोग उन्हें इस तरह से याद किए हुए हैं। उनके जाने के बाद भी उनको याद किया जाता है और उनके वापस आने के लिए प्रेयर्स की जाती हैं और उनको कहा जाता है कि वो वापस आ जाएं। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स ने उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से की थी और आज वो ये सब देखकर गर्व महसूस करते हैं कि उनके बेटे के लिए इतने लोग उनको याद करते हैं। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए और ये डिसीजन उनका सबसे बेस्ट डिसीजन है। अगर आपको सिद्धू मूसेवाला की समाधि पर जाना हो और आप उनके लिए कुछ लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।